que más queda hospital no bando. Vemos que un salada acá se da curva, va con favor, un machumán va con favor, un va con favor. अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। ये कोविड-19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था वुहान के प्रोविंस से, तो उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पैज़र्डली इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है और इसके साथ कैसे हमने टैकल करना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये इरादा किया कि प्रोविंशियल लीडरशिप, जिसमें के यहाँ के सेक्रेटेरिएट के ऑफिशियल्स और तमाम जो है लीडिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनको जो है एतमाद में लिया जाए, उनके साथ जो है एडवोकेसी सेशन किए जाएं, ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज कोविड-19 में मुतासर ना हों। इसमें इम्यूनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कम पेंडेमिक राशि या नो इश्यूज राशि या पोलियो शुआ नोर इश्यूज ही नो आई के खलक पल अवामी नुमाइंदे तगूरी चाह दे के सिंह कई छः अवामी नुमाइंदा प्रिकॉशन इख्तियार कई नो अवाम मगे तगूरी चे वाकई दा इशू सीरियस था अवा पखपला दे के कई प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर रख ली नो दंगे अवाम मगा फॉलो कई। पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक ऐसे मुस्तकिल रेडियो प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों ने इस्तफादा हासिल किया। इन प्रोग्रामों में यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के लीडिंग पॉलिटिशियंस और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल थे, जिन्होंने लोगों को कोविड से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी। हमारे साथ सिविल सोसाइटी, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी इदारों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की कि हम आवाम को असिस्ट करें, आवाम को अवेयर रखें। इस हवाले से मैं यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करता हूँ तमाम हमारे कोलीग्स को, हमारे पार्टनर्स को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सूबाई हुकूमत की जानिब से। मैं यहाँ पे बिलखसूस ज़िक्र करूँगा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने तमाम रीजन्स में अपना फ़ाल किरदार अदा किया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बैठे, हमारे साथ उनके डॉक्टर्स, उनकी टीम जो है वो फील्ड में गई, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। और कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट आवाम की और सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप के अलावा इस तरह की बड़ी मुहिमात या एडवेंचर्स या कैंपेन्स नहीं चला सकती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, बिलखसूस पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का। थैंक यू सो मच। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर तकरीबन 1000 के करीब रजिस्टर्ड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल से मुतालिक ट्रेनिंग दी, जिससे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। इसके अलावा उनके साथ SOP भी शेयर की गई और उनको SOPs की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कराने से मुतालिक भी तरबियत दी गई। शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा आबेद, जो प्रेसिडेंट हैं पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का और यूनिसेफ का, के उनकी सपोर्ट से हेल्थ केयर कमीशन ने काफ़ी काम किया कोविड पेंडेमिक में। 25% ऑफ द हेल्थ सेक्टर जो है तो देट इज़ कैटर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फिजिशियंस, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी महसूस हुआ कि किसी तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें इस कोविड पेंडेमिक में, इस खौफ की फिज़ा में उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट, उनकी उस पर फोकस करें, उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करें और उनकी बाकी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, SOPs हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थी, उनके लिए सबसे पहले तो हमने SOPs डिज़ाइन किए और फिर उनको नोटिफाई किया और डिसमिनेट किया। उसके बाद हमने जो मुख्तलिफ ज़िले हैं, जिसमें पेशावर है, जिसमें डीआई खान है, जिसमें मलकान है, स्वात है, मर्दान है, चारसद्दा है, और अगजई एजेंसी है, पाड़ा चिनार है, काफ़ी और जगह हैं, तो इन सब में ज़्यादातर जगहों पे हमें जो सपोर्ट मिली वो पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की सपोर्ट मिली।
का पेशेंट के साथ इंटरेक्शन और पेशेंट का और हमारे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन और पेशेंट का हमारे साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे लिए कोरोना के लिए एक ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रिवेंशन की। तो इसके लिए आई एम थैंकफुल टू, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की और यूनिसेफ वालों की जिन्होंने हमारे लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक अरेंज की, जिससे हमें काफ़ी हेल्प हुई कि हम कैसे बच सकते हैं कोरोना से और कोरोना और पेशेंट हमसे कैसे बच सकते हैं। और इसलिए ना सिर्फ हमें फ़ायदा हुआ उस ट्रेनिंग का, बल्कि हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे कोलीग्स को जिन्होंने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, उन सबको फ़ायदा हुआ। पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर उन तमाम लोगों के लिए जो कि घर बैठे हुए थे और कोविड की वजह से अस्पतालों का रुख नहीं कर सकते थे, या फिर ये कि चूँकि ओपीडीज क्लोज थी उस ज़माने में, ओपीडी बंद कर दी गई थी, तो उन तमाम लोगों के साथ मिलकर टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन का आगाज़ किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को घर बैठे फ़ायदा हासिल हुआ। Public health associations work to pay kids among trainings who the private practitioners, the undergraduate, postgraduates, total trainings among a pay ki complete shu among the dena ilawa jo public health association parliamentarian sara sessions hu aga sessions among der khatri ke sara complete shu among southern district ke among 300 private practitioner like among train shu देने अलावा रेडियोज़ प्रोग्राम हूँ, चूँकि रेडियो वाहिद दास जरिए वो चाहे पागे बानी जमुंग आवाज़ बैकवर्ड एरिया के ओर सी नौमंगा द डी आई खान और पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन द डी आई खान और द लकी मरवत मुख्तलिफ़ चैनल्स इन्वाल्व करो जमुंगा द पोलियो खिलाफ़ चिकम प्रोपेगेंडा वागे ख़त्म होने दारा कार रोकूँ। कंट्रोल से एराडिकेशन के स्टेज पे आते हैं तो कोऑर्डिनेशन की और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की मीडिया के ज़रिए बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हमारी कोऑर्डिनेशन, लेट से अगर पीएचए है या और डॉक्टर्स एसोसिएशन है, या इसके अलावा अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन है, या अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ओवरऑल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो अगर पहले ये ज़रूरत जो थी वो 80% थी, तो अभी ये मोर देन 100% इसकी ज़रूरत है। हमारे कम्युनिटी में पूरे प्रोग्राम जैसे पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लोगों में आगाही जो है, और लोगों की जो आवाज़ है वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर इसकी जो अफादियत है वो और ज़ाहिर हो जाती है। बेसिकली कम्युनिकेशन का जो रोल है पुल के हवाले से वो इसलिए अहम है कि अगर इसको देखा जाए तो जितने भी प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ के हवाले से दुनिया के जहाँ भी पब्लिक हेल्थ जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होती हैं, तो उसमें कम्युनिटी में आगाही पैदा करने के लिए जो है वहाँ का जो तरीक़ाकार होता है वो यही होता है कि वहाँ से हम लोगों को, लोकल कम्युनिटी के लोगों को और उसके रिप्रेजेंटेटिव को उठा के उन लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया जाता है, ताकि उन लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा हो जाए और उसको एक्सेप्ट करें।